सो डियर स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स द कार्बन ऑक्सीजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1.2 एंगस्ट्रॉम. तो आपके पास एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है. ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, ऑक्सीजन और कार्बन एटम, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 1.2 एंगस्ट्रॉम मैं मान लेता हूँ, ठीक है. और क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम इज, तो कार्बन एटम से कितनी दूर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा. तो मैं मान लेता हूँ कि कार्बन एटम से कुछ आर सी डिस्टेंस पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है. तो टोटल अगर आर है, टोटल दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आर है, तो एक डिस्टेंस को मैं आर सी मान लेता हूँ, एक डिस्टेंस को मैं आर ओ मान लेता हूँ. मुझे पता है आर जो है टोटल वो आर सी प्लस आर ओ के बराबर है, ठीक है. अब अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों का, तो इन दोनों का मास मूवमेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, मास मूवमेंट अबाउट, इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ मैं, अबाउट पी शुड बी इक्वल, राइट. मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मास कार्बन एटम का मास जो कि एम सी मान लेता हूँ, ऑक्सीजन एटम का मास एम ओ मान लेता हूँ, तो इसका मास मल्टीप्लाई बाय ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसका मास मल्टीप्लाई बाय ये वाली डिस्टेंस, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनो एक चीज़ बहुत अच्छी बता रहा हूँ आपको कंसेप्चुअल, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो मासेस का मास मूवमेंट इक्वल हो. तो इसका मास मूवमेंट होगा इसका मास मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ मास से इसके मास की दूरी, और इसका मास मल्टीप्लाई बाय इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से इसके मास की दूरी, ठीक है ना. तो यानी कि एम सी मल्टीप्लाई बाय आर सी शुड बी इक्वल्स टू एम ओ मल्टीप्लाई बाय आर ओ. ये कौन से पॉइंट के लिए होगा, ये सेंटर ऑफ मास के लिए होगा, दो मासेस के सिस्टम के लिए होता है, ठीक है ना. अब इससे हम लोग एक जर्नल रिजल्ट बना देंगे और वो जर्नल रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं. तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एम सी को एम सी लिख लेता हूँ और आर सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इस इक्वेशन से देखो आप, आर सी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, आर माइनस आर नॉट, है ना. तो आर सी की जगह लिख देंगे अपन आर माइनस आर नॉट, और एम नॉट आर नॉट एज इट इज़ आ जाएगा अपने पास. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये बनेगा हमारा एम सी आर माइनस एम सी आर नॉट इक्वल्स टू एम नॉट आर नॉट. और फर्दर हम इसको अगर सॉल्व करें तो बनेगा एम सी आर इज इक्वल्स टू एम नॉट आर नॉट प्लस एम सी आर नॉट, ठीक है. एम सी आर नॉट को हमने राइट साइड ले लिया, और अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं आर नॉट को, तो आर नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एम नॉट प्लस एम सी इक्वल्स टू एम सी आर, ठीक है. हमको आर नॉट मिल जाएगा यहाँ से, तो आर नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम सी इंटू आर अपॉन एम सी इंटू आर, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, अपॉन में एम नॉट प्लस एम सी मल्टीप्लाई बाय आर. तो अगर मेरे को आर नॉट चाहिए तो फॉर्मूला बनेगा एम सी अपॉन एम नॉट प्लस एम सी इंटू आर, और ऐसे ही अगर मेरे को आर सी चाहिए तो फॉर्मूला बनेगा एम सी की जगह आ जाएगा ऊपर एम नॉट प्लस एम सी इंटू टोटल डिस्टेंस. मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मास जो है वो इन्वर्स रेशियो में डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस के. कैसे, इस बात को भी समझो, आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लोगे. जितना भारी मास होगा सेंटर ऑफ मास की दूरी उससे कम होगी, ठीक है ना. तो अगर ये मास भारी है तो सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास होगा, यानी कि अगर एम नॉट ज़्यादा होगा तो आर नॉट कम होगा, वाइस वर्सा अगर एम सी ज़्यादा होगा तो एम सी कम होगा तो आर सी ज़्यादा होगा. तो मास डिस्टेंस के, सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इन्वर्स रेशियो ही बनता है. तो आर नॉट लिखेंगे, तो अगर मैंने आर नॉट लिखा तो यहाँ पे मास सी का आएगा अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस. ऐसे अगर मैंने आर सी लिखा तो यहाँ पे इन्वर्स रेशियो लिखना, तो यहाँ पे एम नॉट आएगा अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस.
तो आपको RC चाहिए, अब RC चाहिए तो आपको M0, M0, MC ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे M0 की 16 और यहाँ पे MC के लिए 12, राइट, और टोटल डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉम है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.7 एंगस्ट्रॉम आंसर आपका आ जाएगा। सो RC विल बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 एंगस्ट्रॉम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।